सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बचपन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। देश के ज्यादातर राज्यों के किसान अपनी मांगों को लेकर 10 दिन की हड़ताल पर हैं। फल, सब्जियों और दूध की सप्लाई बंद कर दी गई है। पंजाब, हरियाणा समेत तमाम राज्यों में किसानों की हड़ताल के तीसरे दिन मिला जुला असर देखने को मिला। किसानों का कहना है कि एक साल पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जो वादे किए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में किसान अपनी मांगों को लेकर 10 दिन की हड़ताल पर हैं। हड़ताल के तीसरे दिन भी किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है। दूध और सब्जियों की सप्लाई ठप है। मंडी के दुकानदारों से भी हड़ताल का समर्थन मांगा जा रहा है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर बात पंजाब की करें तो हड़ताल का असर प्रदेश में महसूस किया जा रहा है। बात अगर नाभा की करें तो यहाँ किसानों की तरफ से दूध और सब्जियों की सप्लाई रोक दी गई है। किसान यूनियन राज्यपाल की तरफ से देर रात तक नाके लगाकर दूध के टैंकर और सब्जियों से भरे वाहनों को रास्ते पर रोक लिया गया। उधर हड़ताल से परेशानी झेल रहे स्थानीय लोगों का मानना है कि किसानों की मांगे जायज हैं, सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हालांकि दूध और सब्जियों को सड़क पर फेंक कर नाराजगी जताने को वो गलत मानते हैं। सरकार इस वाल सेंट्रल सरकार को ध्यान देना चाहिए, पर इहदे नाल जिहड़ा हैगा गरीब लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। ये जिहड़ा देखो खाण पीण दीआं चीज़ां सड़कां ते रोलणियां माड़ी गल है। अंदोलन होंगे एक दिन का, दो दिन का, 10 दिन का जो अंदोलन है बहुत ज़्यादा। ये दुकानदारों का हरेक भाईचारे का नुकसान है। असी तो इन्होंने सारे यही अपील कर रहे हैं किसानों को भी अंदोलन जो एक दो दिन का करो जिद सारे दुकानदार सारा भाईचारा उन्होंने नाल खड़ूगा। किसान न खुद शहरों में दूध और सब्जी की सप्लाई कर रहे हैं और न ही किसी को सप्लाई करने दे रहे हैं। किसान संगठनों ने ऐलान किया कि 10 जून तक जो भी शहरों में दूध और सब्जियां बेचने की कोशिश करेगा उस दूध और सब्जी को गुरुद्वारों और धार्मिक संस्थाओं को दे दिया जाएगा। पटियाला के सनौर में किसानों ने 7 क्विंटल दूध पकड़कर गुरुद्वारों को दे दिया। 1 जून तो लेके 10 जून तक जो भी बंद का सद्दा दिता है वो साडा बहुत तकड़ा किसान वर्कर साढ़े अहदेदार नाल ने सानू बहुत तकड़ा हंगारा मिलिया। सवेरे असी चापड़ राठियों के विचाले दोजियां नू फड़ के बहादुर अपने सिख उपर गुरुद्वारा नौवीं पातशाही गुरु तेग बहादुर के गुरु घर विच दुध पहुँचाया। हुण असी बहादुरगढ़ ये 32 तो दुध फड़िया वर्कर सारे उत्थे सी उत्थे तो लेके आए हैं। असी हुण बहादुरगढ़ गुरुद्वारा साहब नौवीं पातशाही उत्थे असी सारा दुध बचा रहे। उधर रामपुरा पुल में किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोग जबरन दूध की डेयरी में घुस गए और सैकड़ों लीटर दूध सड़क पर फेंक दिया। साथ ही डेयरी में भी तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद दूध विक्रेताओं ने रोष जताते हुए धरना दिया। अपने पिंडों किसानों तो छोटे किसानों तो दुध लिया के इतने छोटे दुकानदारों छोटे घर अभी दुध पाने जी धंधा करते हैं। आपकी मार्जन कमाई लेते हैं जी, कोई नजायज किसों कमाई नहीं लै रहे। तो इस करके मैं अच्छ राम पिंड ज्यों तो रामपुरा पिंड शहर दुध देने लिए आ रहा है जी। तो रिलायंस पंप के सामने जी एस कंडे को बरनला बठिंडा रोड के उत्ते जी किसान यूनियन ने मतलब 10 दिन का बंद का सदा दिता जी। इन्हों असी पहला भी असी डीसी को मेमोरेंडम दिता अज तो 15-20 दिन पहला अखबारों के खबर लगाई हैं। असी इन्हों जथेबंदियों असी इन्हों यही कहे भी थोड़िया मंगा जायज है भी अच्छी के असी 1-2 दिन तक भी थोड़े नाम धरने असी धरना ला सकते हैं, मतलब हड़ताल कर सकते हैं। जे तुम मत कहो भी 10 दिन के साथ जोड़ा दुध का धंधा बिल्कुल ठप हो जूगा, झुग्गा चौकट हो जूगा, इस अभी थोड़ा सहमति नहीं देंगे ना अभी थोड़ा विरोध करते हैं। पर अच कुछ शरारती अंसर ने साडे रामपुरा फूल के दोधियों धक्का किया, दोधियों का थले दुध डोलिया, एक भूदड़ का मुंडा जिदा 270 किलो दुध डोलिया, एक इतने कनैल सिंह डेयरी वाला रेशम डेयरी वो अंदर जाके कुछ शरारती अंसर ने वह दुध पाने वे सारा उत्थे दुध डोलिया। बाकी कई जगह यह घटनावां हुई जिदा असं विरोध किया। हरियाणा में किसानों की हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। सिरसा में किसानों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती उनका संघर्ष जारी रहेगा। 1 जून तो लेके 10 जून तक जो पूरे भारत के किसानों का संघर्ष चल रहा है वो 3 मंगा हैं। पहली मंग स्वामीनाथन डॉक्टर की रिपोर्ट लागू करो, दूसरी मंग पूरे भारत देश के किसानों का कर्जा माफ करो, तीसरी मंग किसानी किसानी के जुड़े हुए धंधे के
डेढ़ गुणा मुनाफा दो। सो असी पिंड औढ़ा जिला सरसा हरियाणा बस स्टैंड से धरना लाया हुआ है। बात अगर चंडीगढ़ की करें तो यहाँ किसान हड़ताल का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। मंडियों में सब्जियां रोजाना की तरह पहुंच रही हैं, हालांकि सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी जरूर हो गई है, जिसका असर आम जनता पर पड़ रहा है। किसान की तरफ से 10 दिन की हड़ताल के ऐलान के बाद हड़ताल का आज तीसरा दिन है। वहीं अगर बात करें सब्जी मंडी की तो तीसरे दिन भी सब्जी मंडी में जो सब्जियों का स्टॉक है वो पूरी तरीके से यहाँ पर पहुँच रहा है। सब्जियों के पहुँचने के जो स्टॉक है उसमें कोई कमी नहीं है। वहीं अगर बात करें तो रेट पे जो है सब्जियों के जरूर असर पड़ा है, दाम सब्जियों के बढ़ गए हैं। वहीं लोगों की तरफ से इसकी शिकायत भी की जा रही है कि स्टॉक तो पूरा पहुंच रहा है पर उसके बावजूद दाम में जो है बढ़ोतरी की जा रही है। अगर स्टॉक की कमी होती तो दामों में बढ़ोतरी की बात देखी जाती थी, पर स्टॉक पूरा होने के बाद भी दामों में जो है बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इससे जो जो लोग हैं उनको खासा परेशानी हो रही है। वहीं अभी तीसरा ही दिन जो है वो हड़ताल का हुआ है और दामों में जो है काफी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, पर अब आगे के 7 दिन बाकी है। 7 दिन देखना रहेगा कि किस तरीके से दामों में बढ़ोतरी और जो स्थिति है हड़ताल की किसानों की तरफ से उसके आगे क्या स्थिति बनकर सामने आती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन मोहन सिंह के साथ प्रोक्स चौधरी, एमएचपी न्यूज। उधर हरियाणा के सीएम और उनके मंत्रियों की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां सीएम मनोहर लाल का कहना है कि हरियाणा में आंदोलन का कोई मतलब नहीं, किसान की यहां पर बड़ी समस्याएं नहीं है। उधर मंत्रियों ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कुछ किसान संगठन ऐसे हैं, किसान नेता ऐसे हैं जिनका जनाधार तो कोई है नहीं, खासकर के हरियाणा में बिना जनाधार के ही कुछ लोगों को बहका करके अपने साथ लगाया या कुछ लोगों के हाथों जबरदस्ती करके उनके उत्पाद को नुकसान कर रहे हैं, दूध को बिखेर रहे हैं, सब्जियां उनकी फेंक रहे हैं। ये वास्तव में किसान के खिलाफ ही वे काम कर रहे हैं। ऐसा किसान जो प्रतिदिन अपनी रोजी रोटी के लिए सारे काम करता था या उसकी जो सब्जी उत्पादन होता है उसको प्रतिदिन वो बेचने के लिए जाता था, उनको अगर ये 10 दिन के लिए नहीं बेचने देंगे तो ये पेरिशेबल आइटम होती है और दूध भी खराब हो जाता है। तो इसलिए ये नुकसान किसान का जो कर रहे हैं इनको किसान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, इनको माफ़ भी नहीं करेगा। खेत की पैदावार को हम बाजार नहीं ले जाएंगे, उसको सड़क पर डालेंगे, ये तो धरती माँ का अपमान है। इधर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी हड़ताल बेअसर है। मंडियों में सब्जियों और फलों की सप्लाई जारी है, हालांकि कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन के साथ सब्जी, दूध और फलों की सप्लाई रोकी गई है। थोड़ा बहुत तो इस समय बढ़ा हुआ है, लास्ट वीक में जो आया था उससे कंपेयर करूँ तो 20-25% का हाइक है। हर वीक में लगभग 1,000-1,500 रुपए का फल सब्जी ले जाता हूँ, लेकिन इस समय लग रहा है कि 200-300 रुपए मुझे ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। थोड़ा सा बढ़ा है, मैं लास्ट वीक आई थी 7 रुपीज टमाटो था और थोड़ा सा बढ़ा है, किसी के पास 12 रुपीज, किसी के पास 10 रुपीज, लेकिन मार्केट प्राइस हर चीज में भी बढ़ा हुआ है। खर्चा में बहुत है, 1,000-2,000 का भी फर्क आ गया। मैंने क्या बोलू, गवर्नमेंट में समय बोलू ना भी सही नहीं है गवर्नमेंट। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने समेत अपनी कई मांगों को लेकर किसान 10 दिनों की हड़ताल पर हैं, जिसका सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है। कई जगहों पर दूध और सब्जियों की सप्लाई ठप है। अगर किसानों की हड़ताल जल्द ही खत्म नहीं होती तो हालात बिगड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। नाभा से राकेश शर्मा, पटियाला से हरिंदर पाल, सिरसा से बलजीत सिंह और सोनीपत से पवन राठी के साथ प्रोक्ष चौधरी, एमएचपी न्यूज, चंडीगढ़।